हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, उससे पहले भी कई बार आप लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुनते रहते हैं। ये काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। अभी आपने देखा है, दिल्ली सरकार ने भी अभी बैंक थेरेपी यानी कि प्लाज्मा बैंक की एक बनाई हुई है, और बंगाल सरकार भी आपकी प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की बात कर रहा है। देखेंगे आखिर एक कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए या फिर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस तरह से काफी चर्चा में बनी हुई है, और संभव है कि क्या हो सकता है इसमें। तो प्लाज्मा थेरेपी और COVID-19 के बारे में जानेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर प्लाज्मा होता क्या है, उसके बाद शरीर में प्लाज्मा कहाँ कैसे होता है इस पर भी बात करेंगे, और प्लाज्मा थेरेपी का इतिहास क्या रहा है अभी तक, प्लाज्मा थेरेपी और COVID-19 किस तरह से साबित हो सकता है इस पर कारगर, और सीमाएं क्या हैं, और उसमें प्लाज्मा कितना सुरक्षित है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, क्या कि आपको एक टीका लगाया जाता है, देखा होगा पोलियो का, आपका बचपन में ही लगा दिया जाता है। किस लिए लगा दिया जाता है? इसलिए लगा दिया जाता है कि एक बार आपको परिचित करा दिया जाए पोलियो के, पोलियो वायरस यानी कि पोलियो का जो भी रोग होगा उससे परिचित करवा दिया जाए, जिससे आपके अंदर वो क्षमता उपलब्ध हो जाएगी कि आपको उसके बाद कभी अगर पोलियो होता है तो आपके अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी कि उससे लड़ने में सक्षम रहेगा। इसी के लिए आपको वो टीका लगा दिया जाता है। और अभी आप देखिए, कोरोना वायरस का टीका बनेगा, उसके बाद हर व्यक्ति को लगा दिया जाएगा कि अगर कोरोना वायरस उस व्यक्ति पर हावी होता है तो उसके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता होगी, जो व्यक्ति के अंदर की, वो लड़ने में सक्षम होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा उसी व्यक्ति से लिया जा रहा है जो इसे कोरोना वायरस को हरा के उससे बाहर निकल आया है, उसी का दान लिया जाता है प्लाज्मा। बंगाल सरकार द्वारा COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण के संचालन में मदद करने के लिए उद्देश्य कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। प्लाज्मा आखिर होता क्या है? ये कई बार आपने देखा होगा कि ये होता है, ये है कि आप जब रक्त देखते हैं ना, रक्त में पीले रंग का एक द्रव होता है घटक, उसे ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये कुल आपका जो रक्त होता है, जिसमें RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इसमें 55% के करीब आपका प्लाज्मा होता है, याद रखिए। लेकिन प्लाज्मा में 90% तक आपका जल होता है। कितना जल? इसमें आपका प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, प्रोटीन, खनिज आयन, हार्मोन, इस तरह की घुले रहते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, लेकिन इसका 90 से 92% एक बड़ा हिस्सा जल के रूप में होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा है। एमिल बेहिंग को प्लाज्मा का उपयोग से डेप्थेरिया कि इलाज हेतु पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। शरीर में प्लाज्मा, प्लाज्मा का प्रमुख घटक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी वाई आकार की प्रोटीन है जो किसी व्यक्ति को पहले ही हुए संक्रमण के लिए अत्यधिक विशिष्ट है। वे हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं द्वारा भारी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, जिससे आने वाले वायरस को रोककर उसका विनाश लक्षित हो सके। टीकाकरण की अवधारणा संक्रमणों को एंटीबॉडी उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर निर्भर करती है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके विपरीत प्लाज्मा का उपयोग करने से दाताओं से एंटीबॉडी की स्थानांतरण होता है, जिससे पहले से ही प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाई है। इस प्रकार प्राप्तकर्ता को तत्काल लेकिन लक्षणीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आपको पता कैसे रहता है आपकी बॉर्डर पर, जो आपने देखा होगा पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी सेना लगी हुई है, और वहां से जो भी आतंकवादी हमारे अंदर आते हैं, हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें मार गिरा दिया जाता है। इन्हें पहचानते कैसे हमारे सैनिक? क्योंकि हमारे सैनिकों को पता चल चुका है, उनकी हरकत पता चल चुकी है और उनके बारे में जान चुके हैं, समझ रहे हैं? तो हमारी सैनिक मतलब उन्हें पहले से बता दिया गया कि इस तरह उन्हें मारना है। तो इसी यही काम रहता है जो हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, कि जैसे ही आपकी प्रतिरोधक क्षमता को पता चलेगा ए कि मतलब ये हमारे ऊपर धावा बोलने वाले, तो उसे प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देती है। एक तरह से आर्मी ही बोल दीजिए अपने शरीर का इसे।
प्लाज्मा थेरेपी का आखिर इतिहास क्या रहा है? पहले के कोरोना वायरस प्रकोपों में प्लाज्मा का परीक्षण किया गया। सन 2003 में पहले सार्स महामारी के दौरान कुछ प्लाज्मा अवलोकन संबंधी अध्ययन किए गए थे। इन सभी में मरीजों को प्लाज्मा मिलने के बाद सुधार की सूचना मिली तथा किसी प्रकार की जटिलताओं का कोई साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि अध्ययन छोटे स्तर पर हुए थे तथा अधिक विश्वसनीय है। 2013 से 2016 में इबोला वायरस के प्रकोप के दौरान कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा उपचार का भी परीक्षण किया गया था। कई मामलों की रिपोर्ट में आशाजनक परिणाम दिखाई दिए, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर यादृच्छिक परीक्षण नहीं किए गए। फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बरामद मरीजों से प्लाज्मा के उचित उपयोग पर दिशा निर्देश विकसित किए हैं। प्लाज्मा थेरेपी और कोविड-19 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के उपचार के लिए कई विकल्पों की खोज की जा रही है। इनमें विशेष रूप से सार्स कोविड सेकेंड को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई नई दवाएं शामिल हैं। साथ ही साथ पुनः प्रयोज दवाएं भी, अर्थात एक अलग बीमारी का इलाज करने के लिए डिजाइन की गई मौजूदा दवाएं अब तक का सबसे पुराना इलाज हालांकि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है। इस थेरेपी में कोविड-19 से उबर चुके की प्लाज्मा का प्रयोग संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने में होता है, यानी कि जो कोरोना वायरस से उबर चुका है उसके प्लाज्मा उससे प्लाज्मा लेकर और जो संक्रमित व्यक्ति हैं या फिर उन्हें ठीक करने की बात की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि प्लाज्मा बैंक को योजना के तहत इलाज कराने वाले रोगियों में संक्रमित होने से पहले कोविड-19 से उबरने वाले लोगों द्वारा दान की गई प्लाज्मा कोशिकाओं को स्टोर करने परीक्षण करने में मदद करने की योजना बनाई गई है। कोविड-19 से बरामद होने के 3 से 4 सप्ताह बाद किसी व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा जमा हो जाता है जिसमें एंटीवायरल एंटीबॉडी होने की संभावना होती है। चिकित्सा के हिस्से के रूप में एक मरीज को 200 मिलीमीटर प्लाज्मा -80 डिग्री में सेल्सियस में 2 दिनों के लिए संग्रहित किया जाता है। कुछ दिनों के बाद रक्त का प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए विश्लेषण किया जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में इम्यूनोमेट्रोलॉजी और रक्त आदान के विशेषज्ञ बेलघाटा में संक्रमक रोगों के अस्पताल में हल्के से मध्यम तीव्र श्वसन रोगों के लक्षणों वाले रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षण में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि बंगाल सरकार भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान कलकत्ता के सहयोग से में हो रहा है, किंतु प्लाज्मा दानकर्ताओं की अनिच्छा इस कार्य में बाधक बन रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वही जो देना चाहे वो दे सकता है, इस पर जबरदस्ती का भी कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती कि आप जबरदस्ती किसी से ले लें। भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन 3 जुलाई को दिल्ली के बसंत कुंज में लीवर एंड बायोलिट्री इंस्टीट्यूट में किया गया था। याद रखिए सबसे पहले कहां? दिल्ली में 3 जुलाई को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी दुनिया इससे पूरी तरह से दुनिया में फैल चुका है, मुझे नहीं लगता है कि कोई देश आपको देखने को मिले इसमें छुटकारा जिसे मिला हो, वरना अमेरिका, ब्रिटेन, देखिए अमेरिका कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो हो सकता है वैक्सीन की बात चल रही है, लेकिन आप समझिए कि वैक्सीन आने में 1 से 1.5-2 साल तो कम से कम मिनिमम टाइम आपका 2 साल लगता है, समझ रहे हैं? तो अभी 21 तक आपको लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि 21 तक आपकी 21 में हो सकता है कि आएगी, क्योंकि पूरा विश्व लगा हुआ है इस पर कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लाई जाए। तो हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, वरना 2 से 3-4 साल तक वैक्सीन आने में टाइम लग जाता था। इसकी सीमाएं क्या है आखिर? आरंभिक रिपोर्ट जिसमें कोविड-19 रोगियों को कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा के साथ इलाज किया गया में अच्छे परिणाम दिखे। निष्कर्ष निकाला गया कि प्लाज्मा थेरेपी सुरक्षित है और रोगी की परिमाण में सुधार करती है, लेकिन इनमें से प्रत्येक अध्ययन में महत्वपूर्ण सीमा है। प्रत्येक अध्ययन में ने केवल अधिकतम 10 रोगियों का इलाज किया है। आधिकारिक प्लाज्मा के उपयोग के रोध साक्ष्य हेतु भी कई अध्ययन हुए। दुनिया भर के 60 से अधिक क्लिनिकल परीक्षण सक्रिय रूप से COVID-19 यानी कि कोविड-19 रोगियों की भर्ती कर रहे हैं जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मरीजों को आमतौर पर लगभग 500 मिलीलीटर प्लाज्मा को अंतःस्राव रूम में दिया जाता है और फिर उनकी प्रगति की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है।
कई अध्ययन गैर संक्रमित रोगियों से परीक्षण किए, प्लेसोबो आर्म के रूप में प्लाज्मा का उपयोग कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहचान किए गए किसी भी लाभ वास्तव में सार्कोविद टू एंटीबॉडी के लिए विशिष्ट है। यद्यपि प्लाज्मा में एक उपयोगी उपचार होने की संभावना है, कुछ सिद्धांतिक चिंताएं भी है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से एंटीबॉडी की आपूर्ति करने में से संक्रमण की स्थिति आ सकती है। एंटीबॉडी निर्भर वृद्धि नामक स्थिति आ सकती है। एंटीबॉडी जो एक वायरस से जुड़ती है, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स को व्यक्त करने वाली कोशिकाओं द्वारा ली जा सकती है। यह वायरस को उन कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम कर सकता है जो आमतौर पर संक्रमण के लिए अति संवेदनशील नहीं होते, जो नए वायरल कणों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। यह मुख्यतः डेंगू संक्रमण में होता है। एक दूसरा सिद्धांतिक समस्या है कि पूर्व में निर्मित एंटीबॉडी पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने से शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर सकते हैं। यह मात्र एंटीबॉडी से स्वाभाविक रूप से मां से संतानों को पारित होने के साथ होता है, जो शिशुओं को टीकाकरण के लिए सही तरीके से प्रतिक्रिया देने से रोक सकता है। यही कारण है कि अधिकांश बचपन के टीके 8 सप्ताह की उम्र के बाद ही शुरू होते हैं। प्लाज्मा आखिर कितना सुरक्षित है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य व्यक्ति से प्लाज्मा प्राप्त करने के साथ कई संभावित जोखिम भी हैं। हल्के साइड इफेक्ट में बुखार या फिर एलर्जी की प्रतिक्रियाएं विकसित होना शामिल है, जैसे कि चकते और खुजली। आधान प्रक्रियाओं को रोकने के लिए प्लाज्मा को प्राप्तकर्ताओं के रक्त समूह के साथ भी संगत होना चाहिए। इसके गंभीर रक्त जनित संक्रमणों को प्रसारित करने का जोखिम है। संक्रमण के लिए दाता की जांच करके जोखिम को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूके में रक्तदान को NHS द्वारा केंद्रीकृत किया जाता है और सभी दाताओं को सेफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी और CE और HTLV एक मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 1 के लिए कठोरता से जांच की जाती है, ताकि जोखिम को सुनिश्चित किया जा सके और इन संक्रमणों को कम से कम कर रहे हैं। कमजोर दिल या फेफड़ों के साथ बुजुर्ग आबादी प्लाज्मा की इतनी बड़ी मात्रा को प्राप्त नहीं कर सकती। इससे एक जटिल ट्रांसफ्यूजन से संबंधित संचार अधिभार उत्पन्न हुआ है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? COVID-19 में प्लाज्मा उपयोग के लिए सकारात्मक परिणाम के लिए भी है। उम्मीद है कि भविष्य की महामारी प्लाज्मा के लिए हमारी बेहतर समझ भी भविष्य की महामारियों के लिए मूल्यवान होगी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन आश्चर्य किया है कि कितने लोग बीमारी से उबरने के बाद प्लाज्मा दान करने के लिए सहमत होंगे। कुछ महीने पहले ही प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल परीक्षण शुरू किए जाने के बाद से केवल कुछ दाता आगे आए, अतः लोगों में दान प्रवृत्ति जगाने भी आवश्यक है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटना इतनी होती है, और कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, अगर उसके अंग दान कर दिए जाए तो 5 से 7 व्यक्तियों को डेली बचाया जा सकता है एक व्यक्ति से। कितना? 5 से 7, कम से कम बता रहा हूं। लेकिन क्या कहते हैं, आपने देखा होगा दान की स्थिति में हमारे यहाँ भी अंगदान कम ही किए जाते हैं। कई लोग आप देखते हैं कि अस्पतालों में पड़े पड़े अंग की कमी, मतलब अंगों की कमी के कारण मर जाते हैं। तो यही मतलब जागरूकता का अभाव है। चलिए देखते हैं आगे। अभी तो आपको अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती पूरी तरह से, तब तक आपको सेफ्टी रखनी है। कोई आपकी सेफ्टी रखने के लिए नहीं आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि डेली के केस बढ़ रहे हैं, केस में कोई कमी भी नहीं देखी जा रही है। इसलिए अच्छे से रहिए और जब तक देखिए क्या होता है, कुछ तो परिणाम निकलेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि अभी 7,42,000 के करीब केस पहुंच चुके हैं। आज हम लोग 8 जुलाई की बात कर रहा हूं।